अंतरिक्ष अविश्वसनीय रूप से अजीब है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वहां हर ग्रह एक जैसा है? बस चट्टान और गैस का एक बड़ा गोला है। हालांकि ग्रह उससे कहीं अधिक अनोखे हैं। वैज्ञानिक और अन्य जिज्ञासु लोग मानव अस्तित्व की शुरुआत से ही इस ब्रह्मांड की खोज कर रहे हैं, क्योंकि वे रात के आकाश में पाए जाने वाले चमत्कारों को बेहतर ढंग से समझना चाहते थे। ये उनकी जिज्ञासा ही है जिसने उन्हें चीजों के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित किया है। चीजों के बारे में नए तरीकों से सोचने से हमें अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, ताकि हम खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझ सकें। इसे समझने के लिए हमने दूरबीनों का आविष्कार किया। हमने रात के आकाश में अधिक गहराई से जांच करने के लिए टेलीस्कोपों की खोज की। हमने देखना शुरू कर दिया कि हम बिना किसी सहायता के आकाश की ओर देखने पर जो देख सकते थे, उससे कहीं अधिक हम टेलीस्कोप की मदद से खोज कर सकते हैं। इसे देखकर वैज्ञानिक आश्चर्यचकित होने लगे कि क्या वहां कोई अन्य जीवन भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक्सोप्लैनेट की खोज शुरू कर दी, जहां जीवन संभव हो सकता है। हालांकि हमें अभी भी वहां कोई अन्य जीवन नहीं मिला है। खगोलविदों और अन्य लोगों की आशा और खोज जारी है। इन प्रयासों के दौरान हमने कुछ असाधारण खूबसूरत ग्रहों की खोज की है। यहां ब्रह्मांड के अब तक खोजे गए कुछ सबसे खूबसूरत ग्रहों में से हम आगे कुछ ग्रहों की खूबसूरती समझने का प्रयास करने वाले हैं। हालांकि वे अजीब लग सकते हैं, यह वह विचित्रता है जो एक तरह से उन्हें सुंदर बनाती है। तो क्या आप सबसे खूबसूरत ग्रहों को खोजने के लिए ब्रह्मांड में एक शानदार विज्ञान कथा यात्रा पर खुद की कल्पना करने के लिए तैयार हैं? हम इस खतरनाक ग्रह को प्यार से टीरस टू बी के नाम से जानते हैं। इस ग्रह की खोज 21 अगस्त 2006 को ट्रांस अटलांटिक एक्सोप्लैनेट सर्वे टी रेस द्वारा की गई थी। इस ग्रह पर 2008 में किए गए एक अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि टी रेस प्रणाली एक द्विआधारी तारा प्रणाली ग्रह है। यह हमारे सौर मंडल से 750 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। जहां तक हम जानते हैं, यह आधिकारिक तौर पर पूरे ब्रह्मांड में सबसे काला ग्रह है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह इस पर पड़ने वाले सभी प्रकाश का 1% से भी कम प्रतिबिंबित करता है, जिससे यह अधिकांश ज्ञात एक्सोप्लैनेट की तुलना में काफी गहरा हो जाता है। इसकी अशुभ रूप से अंधेरी सतह को आंशिक रूप से प्रकाश अवशोषक गैसों द्वारा समझाया जा सकता है, जो ग्रह के बड़े हिस्से को बनाते हैं। लेकिन वैज्ञानिक वास्तव में निश्चित रूप से नहीं जानते कि यह इतना अंधेरा क्यों है। इसके अंधेरे का एक कारण परावर्तक बादलों की अनुपस्थिति हो सकता है, जैसे वे बादल जो बृहस्पति को इतना चमकीला बनाते हैं। टी रेस टू बी की अपने मूल तारे से निकटता और परिणामी उच्च तापमान के कारण यह और भी डरावना हो जाता है। गैस का यह बुरा दिखने वाला गोला न केवल किसी प्रकाश को प्रतिबिंबित नहीं करता है, बल्कि यह वास्तव में पिघले हुए लाल रंग में चमकता है, जैसे कि यह आग पर कोयले का गर्म गोला हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रह की सतह 1100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है, जो इतनी गर्म है कि जिसके कारण यह प्लैनेट लाल दिखता है। 55 कैनकरी ई वास्तव में 30 अगस्त 2004 को खोजा गया था। यह ग्रह अंधकारमय है। वास्तव में यह अंतरिक्ष में बिल्कुल हीरे की तरह चमक रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वास्तव में यह एक विशालकाय हीरा है। 55 कैनकरी ई एक एक्सोप्लैनेट है जो अपने सूर्य जैसे मेजबान तारे 55 कैनकरी की परिक्रमा करता है। इस एक्सोप्लैनेट का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 8.5 गुना है। हालांकि हम बिल्कुल कह सकते हैं कि यह ग्रह पृथ्वी के आकार का लगभग 2 गुना है। यह ग्रह अत्यधिक कार्बन भारी है। इतना घना है कि इस पर पाया जाने वाला सारा कार्बन एक ठोस हीरे के रूप में है। यह इसके द्रव्यमान का 1/3 है। यह हीरा ग्रह पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। भले ही आप हीरे की असीमित आपूर्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए इतनी दूर यात्रा कर सकें, लेकिन इससे पृथ्वी पर हीरे की आपूर्ति को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। इसलिए इस खूबसूरत ग्रह की प्रशंसा दूर से ही सबसे अच्छी होती है।
शक्ल से 436 बी की खोज अगस्त 2004 में आरपॉल बटलर और जेफरी मार्सी द्वारा की गई थी। ऐसा लगता है कि यह ग्रह रसायन विज्ञान के बारे में आपके द्वारा सोची गई हर बात को झुठलाता है, क्योंकि यह बर्फ का एक विशाल गोला है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इसके आग लगी हुई है। एक सेकंड के लिए कल्पना करें कि आप फिल्म स्टार वॉर्स के होत ग्रह पर हैं। क्लिसे 436 भी बिल्कुल वैसा ही दिखेगा, सिवाय इसके कि बर्फीली सतह 439 डिग्री फारेनहाइट पर लगातार जलती रहती है। तो यह कैसे हो सकता है? बर्फ कैसे रसायन विज्ञान के नियमों की अवहेलना कर सकती है और अपने पिघलने वाले बिंदु से ऊपर पूरी तरह से ठोस रह सकती है? खैर, ग्रह का गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक मजबूत है कि यह पिघले हुए बर्फ के पानी को अपने मूल की ओर खींचता है, इसे ठोस रूप में संपीड़ित करता है और इसे कभी भी वाष्पित नहीं होने देता है, चाहे वह ग्रह कितना भी क्यों ना पिघल जाए। यह जनवरी 2015 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया ग्रह है। केपलर 438 भी पृथ्वी से 470 प्रकाश वर्ष दूर है। यह ग्रह बहुत अजीब है, इसलिए नहीं कि इसमें कोई अत्यधिक विशेषताएं हैं, बल्कि यह बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि यह आज तक सबसे अधिक पृथ्वी जैसा ग्रह है जिसे हमने कभी पाया है। पृथ्वी समानता सूचकांक ESI एक मानक माप है कि कोई अन्य ग्रह पृथ्वी के कितना समान है, जिसमें इस एक का स्कोर हर तरह से पृथ्वी के समान है और शून्य का स्कोर पृथ्वी के समान नहीं है। केपलर 438 बी का प्रभावशाली ESI 0.88 है, जो केपलर 438 बी को अत्यंत दुर्लभ और बहुत खास बनाता है। इसमें एलियन जीवन के लिए सभी आवश्यक शर्तें मौजूद हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पृथ्वी की तरह ही एक चट्टानी दुनिया है। अपने मेजबान तारे से इसकी निकटता इसे उस स्थान पर रखती है जिसे वैज्ञानिक गोल्डी लॉक्स जॉन कहते हैं, जो अंतरिक्ष अन्वेषण की पवित्र कब्र कहलाती है। गोल्डी लॉक्स जॉन तब होता है जब कोई ग्रह अपने मूल तारे के इतना करीब नहीं होता कि वह जीवन के लिए बहुत गर्म हो। फिर भी यह इतना दूर नहीं है कि बहुत अधिक ठंडा हो, जल जीवन के लिए आवश्यक है। तो जहां पानी है वहां संभवतः जीवन है। हालांकि एक जटिल जीवन जीने के लिए तरल पानी का होना जरूरी है, जो ज्यादातर समय केवल गोल्डी लॉक्स क्षेत्र में ही हो सकता है। तो गोल्डी लॉक्स क्षेत्र में एक चट्टानी ग्रह केपलर 438 बी में तरल पानी और इसलिए जीवन होने की अत्यधिक संभावना है। यह इसे हमारे द्वारा अब तक खोजे गए सबसे दिलचस्प एक्सोप्लैनेट में से एक बनाता है।